हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कल्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी नूडल्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए पानी को बॉयल कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। रिफाइंड ऑयल हो या सरसों का ऑयल हो, कोई भी तेल डालना है। जब पानी गर्म हो जाए, उबलने लगे, तो अब उसमें नूडल्स डालना है। मेरा पानी गर्म हो गया है, उबलने लगा है, और इसमें नूडल्स डालेंगे। नूडल्स को तोड़ कर डालेंगे। नूडल्स जब उबल जाए तो उसको छन्नी से छान लेंगे। इसे इस तरह से छन्नी में डाल के छान लेंगे। उसके बाद इसको पानी से ऐसे धो लेंगे ताकि एक दूसरे से ये चिपके नहीं। इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज ले लिए, दो प्याज काट कर लिया पतला पतला, शिमला मिर्च, टमाटर और ये बंधा गोभी, सबको पतला पतला काट लिया है। ये हरी मिर्च ले लिए दो। आप स्वाद के अनुसार कम या बेसी कर सकती हैं, जितना तीखा खाइएगा उसके अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। गैस ऑन पे उस पर कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, और उसमें मैं दो चम्मच तेल डाली। दो चम्मच तेल डालूंगा, जब तेल गर्म हो जाए, जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालेंगे। और हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद एक दो बार चलाने के बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा सिर्फ एक मिनट चलाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा इसको हल्का फ्राई करना है। अब इसमें थोड़ा सा हल्का भूनने के बाद इसमें बंधा गोभी डालेंगे। बंधा गोभी भी थोड़ा सा एक दो बार चलाएंगे, थोड़ा सा हल्का ही भूनेंगे बंधा गोभी को, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। गैस को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। टमाटर हल्का भून जाने के बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। उसके बाद नूडल्स मसाला डालेंगे आधा चम्मच। चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। सबको मैं चला लूँगी। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। एक चम्मच में सिरका इसमें डालूँगी। उसके बाद आधा चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच टमाटो सॉस डालूंगी। सबको हल्का भून लूंगी। दोस्तों इस तरह से हल्का इसको चला के भून लीजिएगा। फिर ये हल्का भून जाने के बाद इसमें नूडल्स डाल लूंगी।
नूडल्स को आँच मीडियम में रखूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी। इसमें चौमिन डालने के बाद हल्का फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार है। इसमें तो चाहिए तो चिली सॉस, टमाटो सॉस अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। देखिए नूडल्स बन के तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, एक बार बना के ज़रूर देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू।